हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 10th लेक्चर। ये मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 10th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 9 लेक्चर वीडियोज थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो मैं आपको बहुत डिटेल में ऑडिटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है बता चुकी हूँ। ऑडिटिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका क्या मतलब है, स्कोप क्या है, इंडिया में ऑडिटिंग कैसे शुरू हुई, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या रिलेशनशिप है, एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, एडवांटेज, ये सब भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑडिट का क्लासिफिकेशन भी बता चुकी हूँ। एरर एंड फ्रॉड्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने डिटेल में समझा है। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक ऑफ ऑडिट बताया था, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट यानी ऑडिट से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए ये सब भी हमने डिटेल में समझा। ऑडिट का प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट एविडेंस पेपर, ये सब भी हमने डिटेल में समझा। प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या प्रोसीजर है ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने एक टॉपिक शुरू किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। और मैंने आपको बताया था इंटरनल कंट्रोल के अंदर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं, दैट इज इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिटेल में समझा दिया था। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, क्या कितने डिवीजन है इसके, इसका प्रिंसिपल क्या है, ICQ यानी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर ये क्या होता है, तो ये सब हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में समझा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में एंड आज हम इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में समझेंगे डिटेल में। इंटरनल चेक क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है इसके, क्या प्रिंसिपल है, इसका डिसएडवांटेज क्या है ये भी समझेंगे एंड इंटरनल चेक रिगार्डिंग कैश, वेजेस, परचेज, सेल एंड स्टॉक ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरनल चेक, तो मैंने बताया था इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल चेक एंड दूसरा इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो पहले हम इंटरनल चेक के बारे में बात करते हैं। नाम क्या है, इंटरनल चेक। देखिए इंटरनल मतलब आंतरिक, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इंटरनल मैटर है, अंदर का जो मैटर है, दैट इज इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल चेक बेसिकली एक कह लीजिए प्रैक्टिस है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर मेंबर ऑफ द स्टाफ। तो इंटरनल चेक एक ऐसी प्रैक्टिस है, ठीक है, इंटरनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इंटरनल में बहुत सारे वर्क, बहुत सारे काम परफॉर्म हो रहे होंगे ना, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम परफॉर्म हो रहे होंगे, अलग अलग वर्क परफॉर्म हो रहा होगा। तो इंटरनल चेक बेसिकली वो प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है, द वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल का काम जो है दूसरा इंडिविजुअल चेक करता है इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। और यही मेन प्रिंसिपल है इसका, इंटरनल चेक का, अभी मैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी। तो इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल चेक मीन्स प्रैक्टिकली अ कॉन्टिन्यूअस इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक एक कॉन्टिन्यूअस इंटरनल ऑडिट की प्रैक्टिस है जो कैरी ऑन होती है बाय द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है इस प्रैक्टिस को कैरी ऑन करते हैं, जिसमें क्या होता है, वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल या एक जो भी क्लर्क है उसका काम, उसने जो भी काम किया है उसको एक दूसरा क्लर्क जो है उस काम को चेक करता है। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड इंटरनल चेक। देखिए यहाँ लिखा है, वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर मेंबर ऑफ द स्टाफ, ठीक है, तो दिस इज इंटरनल चेक। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, द वर्क कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस मेंबर ऑफ स्टाफ। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं कि बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, जर्नल एंट्री होगी, फिर उसकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर आगे के काम होंगे, ठीक है। तो यानी वर्क तो बहुत सारा है, तो इंटरनल चेक प्रैक्टिस में क्या होता है, जो भी वर्क कनेक्टेड है अकाउंट को बनाने से रिलेटेड, जितने भी काम है इन सबको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द डिफरेंट स्टाफ, जो डिफरेंट अकाउंटेंट्स हैं आपके यहाँ पे, जो डिफरेंट क्लर्क हैं उनके बीच में इस काम को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, इन सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने पहले वाले क्लर्क ने क्या किया, इसने की जर्नल एंट्री,
ठीक है, तो इसका काम केवल जर्नल एंट्री करने का है। फिर उसके आगे का काम जो लेजर पोस्टिंग है वो दूसरा पर्सन करेगा। इसने लेजर पोस्टिंग कर दी, अगला जो ट्रायल बैलेंस बनाना है वो नेक्स्ट क्लर्क बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होती है इंटरनल चेक में। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इससे अगर कोई गलती की, ये जो पहला वाला पर्सन है जिसने जर्नल एंट्री की, अगर इसने कोई गलती की तो जो नेक्स्ट पर्सन जिसको लेजर बनाना है, देखो इसने जर्नल एंट्री करके छोड़ दिया, फिर वहां पे अपना काम फिनिश किया, जिसको लेजर बनाना है, इसको अगर लेजर बनाना है तो क्या करेगा, इसको पूरी जर्नल एंट्री एक बार गो थ्रू करना होगा ना इस पर्सन को, सेकंड क्लर्क को। तो ये फायदा है कि एक तरीके से पहले क्लर्क का काम जो है दूसरे ने क्रॉस चेक कर लिया, तो दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, इससे फ्रॉड वगैरह के चांसेस नो डाउट कम होंगे। ठीक है, एरर गलती होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि पहले जो क्लर्क है उसने जो काम किया उसको कौन क्रॉस चेक कर रहा है, सेकंड क्लर्क क्रॉस चेक कर रहा है। तो अगर पहले क्लर्क ने गलती से अगर उससे कोई गलती हो गई होगी तो वो यहाँ पे पकड़ ली जाएगी, वो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल चेक। देखिए यहाँ लिखा है कि इंटरनल चेक क्यों जरूरी है, इसका रीजन क्या है कि इफ ओनली वन पर्सन इज, इंटरनल चेक क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर केवल एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर एक ही क्लर्क को काम दे दिया जाए कि जर्नल एंट्री आपको करनी है, आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और आपको फाइनल जो पीएल अकाउंट या जो भी स्टेटमेंट है वो आप ही को बनाने हैं, ठीक है, पूरा काम इसी को दे दिया गया एक ही क्लर्क को, तो क्या होगा, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर। स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा काम एक ही क्लर्क को दे दिया तो वहां पे गलती भी होने के चांसेस है, और अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो भी कर पाएगा, क्योंकि इसके काम को क्रॉस चेक अभी नहीं किया जा रहा है, लास्ट में जब ऑडिट होगा तब इसका काम क्रॉस चेक होगा, बट फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एरर एंड फ्रॉड के चांसेस हैं। लेकिन अगर एक क्लर्क ने जर्नल एंट्री बनाई, दूसरे ने लेजर किया, तो फिर ये लेजर वाला जो है जर्नल एंट्री वाले क्लर्क की एंट्रीज को चेक करेगा, तो इससे क्या हुआ, अगर कोई गलती हुई तो वहीं के वहीं पकड़ में आ गई। ठीक है, तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्रैक्टिस इंटरनल चेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल चेक। ठीक, और ये जो इंटरनल चेक प्रैक्टिस है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये इंटरनल चेक में बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें जो भी काम है उसको क्या किया जा रहा है, डिफरेंट वर्कर्स के बीच में, डिफरेंट जो क्लर्क हैं उनके बीच में उस काम को डिवाइड किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एक का काम दूसरा चेक कर रहा है, दूसरे का काम तीसरा चेक कर रहा है, तीसरे का काम चौथा चेक कर रहा है, और इससे ये जो क्लर्क होंगे ये अपने काम में एक्सपर्ट भी तो होंगे। इसका एक और फायदा है, अगर आपका काम केवल जर्नल एंट्री करना है तो आप फिर फटाफट करने लगेंगे ना, आपकी उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, आप बहुत कम समय में ज्यादा काम कर लेंगे। जिसका काम है केवल लेजर बनाना वो भी बहुत तेजी से काम कर पाएगा, तो इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, प्लस एक दूसरे का काम भी क्रॉस चेक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा बेनिफिट है इस इंटरनल चेक प्रैक्टिस का। यहाँ देखिए मैं लिखा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज गुड एंड एफिशिएंट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंटरनल चेक की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया है, गुड एंड एफिशिएंट है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड विल बी मिनिमम, वहां पे मिनिमम होंगे फ्रॉड और एरर के चांसेस, क्या है, मिनिमम है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ, जैसे सपोज करिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वर्कर जो है बहुत सारे हैं, सपोज करिए 120 वर्कर है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 120 वर्कर है, ठीक, 120 नहीं मैं 300 लिखती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 300 वर्कर है, ठीक, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 300 वर्कर है, ठीक, और वहां पे 6 क्लर्क है, 300 वर्कर है, ये 300 भी कम है, 3000 वर्कर है, सपोज करिए कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला है ना, तो सपोज करिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 3000 वर्कर है और वहां पे 6 क्लर्क है, ठीक है, इन 6 क्लर्क का काम क्या है, ये जो 3000 वर्कर्स हैं, 3000 वर्कर्स जो है इनका जो भी अटेंडेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, वेट शीट से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना, एंड उनको पेमेंट करना, ठीक है, ये तीन काम है उनके। ये जो 3000 वर्कर हैं इनका जो तीन इनसे रिलेटेड मेन काम है, एक अटेंडेंस इनकी मेंटेन करना, वेज शीट बनाना इनका, और उनको पेमेंट करना, ये तीन मेन काम है। इसके लिए कंपनी ने 6 क्लर्क हायर किए हुए हैं, ठीक। तो ये जो 6 क्लर्क हैं किस तरीके से काम कर सकते हैं, पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका है कि 2 क्लर्क जो है वो 1000 वर्कर का रिकॉर्ड मेंटेन करें पूरा, स्टार्टिंग से एंड, अटेंडेंस, वेट शीट, पेमेंट। 2 क्लर्क अगले 1000 का रिकॉर्ड मेंटेन करें, अगले 2 क्लर्क 1000 का रिकॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है, पूरा अटेंडेंस, वेट शीट एंड पेमेंट सब, ठीक है, एक ऑप्शन ये हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो 2 क्लर्क हैं वो केवल अटेंडेंस का काम देखें, वर्कर्स की अटेंडेंस देखें, फिर जो 2 क्लर्क है वो केवल वेट शीट बनाने का काम देखें, ठीक है,
फिर अगले जो दो क्लर्क हैं वो क्या केवल पेमेंट का काम देखें। ठीक, तो अब बताइए ये जो दो ऑप्शन है, समझ में आ गया दो ऑप्शन क्या है? तो ये जो दो ऑप्शन है, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गलती होने, फ्रॉड होने के चांसेस कम है। तो अभी मैंने बताया इंटरनल चेक जो प्रैक्टिस है उसमें ये जो ऑप्शन सेकेंड है, दिस इज इफिशियंट मेथड, ये ज्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि जो दो क्लर्क अटेंडेंस बना रहे हैं, ठीक है, फिर अटेंडेंस के बाद वेट शीट बनेगी, तो ये जो वेट शीट बनाने वाले क्लर्क हैं ये फिर अटेंडेंस वाले क्लर्क का काम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो वेट शीट आगे जाएगी पेमेंट के लिए, तो पेमेंट वाले फिर वेट शीट देख करके ही तो पेमेंट करेंगे, तो इससे इनका काम क्रॉस चेक हो जाएगा, तो एक का काम दूसरा क्रॉस चेक कर रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा इफिशियंट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड या एरर होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर ये वाला मेथड, फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करें, तो इन दो क्लर्क ने आपस में मिलीभगत कर ली, तो इन 1000 वर्कर्स का जो जो सैलरी वगैरह सब बन रही है उसमें घपला कर सकते हैं ना, क्या पता कोई डमी वर्कर का नाम जोड़ दें, ये जो दो क्लर्क जो काम कर रहे हैं ये दोनों आपस में मिलीभगत कर लें और किसी डमी वर्कर का नाम जोड़ दें, या उन घंटों के लिए भी पेमेंट कर दें जो वर्कर ने काम नहीं किया है, ठीक है, और वो पेमेंट बेसिकली इनकी जेब में गया, तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। तो इंटरनल चेक यही कहता है कि इस तरीके से वर्क को डिवाइड किया जाता है अमंग द वर्कर्स की एक का काम दूसरा इंटरनली चेक करें, दिस इज इंटरनल चेक। ठीक, अब काफी कुछ मैं इंटरनल चेक के बारे में बता चुकी हूँ, तो अब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल चेक से क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ एक गुड एंड इफिशियंट इंटरनल चेक की प्रैक्टिस है तो क्या होगा, टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, फ्रॉड एंड इररेगुलरिटी। अगर इंटरनल चेक की प्रैक्टिस अच्छी है तो वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एरर यानी गलती होने के, फ्रॉड होने के या इररेगुलरिटी के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लर्क का काम दूसरा क्लर्क चेक कर रहा है। ठीक, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलोकेट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्लर्क इन सच अ वे दैट ही मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर एरर एंड फ्रॉड। टू एलोकेट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इंटरनल चेक जो है इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे इंटरनल चेक के तहत क्या होता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर दी जाती है हर एक क्लर्क को। ठीक है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया था उसमें दो क्लर्क अटेंडेंस के लिए असाइन हो गए, दो क्लर्क वेट शीट बनाने के लिए असाइन हो गए, ठीक है, दो क्लर्क आपके पेमेंट के लिए असाइन हो गए, तो इससे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई हर एक क्लर्क की। तो अगर फ्रॉड पेमेंट में हुआ है तो यानी यही दो क्लर्क रिस्पॉन्सिबल है, अगर गलती वेट शीट बनाने में हुआ है तो यानी ये दो क्लर्क रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अगर कोई एरर या फ्रॉड हुआ है तो गलती किसकी है, तो ये पता चल जाता है। तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड इजली, यानी इंटरनल चेक से क्या होता है, अगर कोई फ्रॉड है कोई एरर है तो वो इजली डिटेक्ट हो जाता है, इफ इट इज कमिटेड, यानी अगर कोई एरर फ्रॉड हुआ है तो वो इजली चेक हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक। ठीक, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल, फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, तो मैं इन चैनल पे ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, एंड वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके ही मुझे बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला चैनल एंड मेरा दूसरा चैनल दोनों को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो डालती रहती हूँ। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, देखिए इंटरनल ऑडिट, ठीक, इंटरनल मतलब आंतरिक, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल मैटर है दैट इज आंतरिक। इंटरनल ऑडिट, ऑडिट मतलब चेक करना, वेरीफाई करना। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट बेसिकली वो प्रैक्टिस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं अपॉइंट कर रहा है, मतलब वो तो करना ही है, वो बाद में करना है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, लेकिन इंटरनल ऑडिट वो प्रैक्टिस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है।
एक सैलरीड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, वो सैलरीड एम्प्लॉय वो अपॉइंट करती है जिसका काम है डे टू डे ट्रांजेक्शन, डेली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको चेक करे, उन्हें जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको चेक करे, रिकॉर्ड देखे, तो वो होता है इंटरनल ऑडिट। समझ में आया? इंटरनल ऑडिट मतलब एक्सटर्नल ऑडिट तो होगा बाद में, जहां पे कि एक्सटर्नल पर्सन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, बट इंटरनल ऑडिट में एक कंपनी का सैलरीड एम्प्लॉय होता है, जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है, कंपनी उसको अपॉइंट करती है और उसका काम होता है ऑडिट करना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उन सबको चेक करना, वेरीफाई करना, देखना कहीं फ्रॉड एरर तो नहीं हो रहा, कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो दैट इज इंटरनल ऑडिट। देखिए मैं लिखा है यहाँ पे इंटरनल ऑडिट क्या है, अ बैच ऑफ एम्प्लॉय नोन एज इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर जनरली ये बड़ी कंपनीज में होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे इंटरनल ऑडिटर कंपनी अपॉइंट करती है, जिनका काम क्या होता है टू चेक द रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन, यानी डे टू डे ट्रांजेक्शन को चेक करना, रिकॉर्ड को देखना, ठीक। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट, एक और डेफिनेशन है कि इंटरनल ऑडिट क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग एक्टिविटी है जिसको डिजाइन किया जाता है टू एड वैल्यू एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और इफिशियंटली काम कर पाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंटली कब काम कर पाएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोई गलती नहीं होगी, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंटली काम कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन अच्छे से हो उसके लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है, वो सैलरीड पर्सन होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, तो दिस इज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर, ठीक। अब सवाल ये आता है कि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, तो देखिए सिमिलैरिटी की बात बताऊं तो बताया था ना इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल के दो मेन एलिमेंट हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ये दो इसके एलिमेंट है, ठीक। अब डिफरेंस की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सिमिलैरिटी तो समझ में आ गई, इसके दो मेन एलिमेंट यही है, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल के हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, एंड बोथ दीज थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट बोथ गो टूगेदर, दोनों साथ चलते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जरा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक, समझ रहे हैं ना, इंटरनल ऑडिटर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक सैलरीड एम्प्लॉय जिसका काम है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन है इनको डेली बेसिस पे चेक करना, तो इंटरनल ऑडिटर जो होता है इंगेज टू चेक द रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन, इंटरनल ऑडिटर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के जितने ट्रांजेक्शन है उनको चेक करना डेली, जबकि इंटरनल चेक क्या है, द वर्क एंड इट्स चेकिंग गो टूगेदर, जबकि इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल चेक मतलब कि काम और उसकी चेकिंग साथ साथ होती चलती है इंटरनल चेक में, क्योंकि वहां पे क्या है, एक वर्कर का काम दूसरा वर्कर चेक करता है, दूसरे का काम तीसरा चेक करता है, तो यहाँ पे काम भी हो रहा है, वर्क भी हो रहा है और उसकी चेकिंग भी हो रही है, दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। इसने जर्नल बना दिया, इसने लेजर बनाया, इसने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो एक का काम दूसरे ने चेक किया, ठीक। तो ये पहला डिफरेंस है कि इंटरनल चेक में काम एंड उसकी चेकिंग साथ साथ होती है, जबकि इंटरनल ऑडिटर में वो केवल रिकॉर्ड चेक करता है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, इंटरनल चेक में क्या होता है, देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरनल चेक में देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी अरेंज की जाती है। इंटरनल चेक में डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट वर्कर के बीच में क्या होता है, काम डिवाइड होता है, ठीक, और ये अपने एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे काम करते हैं और एक का काम दूसरा चेक करता है, इंटरनल चेक में ये होता है। जबकि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन, इंटरनल ऑडिट में जितने भी इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि एक ऑडिटर होता है, सैलरीड पर्सन होता है, जो कि पूरे ट्रांजेक्शन को रिव्यू करता है, देखता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है, तो ये होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, वही जो अभी मैंने बताया कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट सैलरीड स्टाफ, इंटरनल ऑडिट में एक सैलरीड स्टाफ होता है, जबकि इंटरनल चेक में देयर इज नो सेपरेट स्टाफ, कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता है, ठीक है, एक वर्कर ही दूसरे वर्कर का काम चेक कर रहा होता है। अगला डिफरेंस क्या है, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, एरर एंड फ्रॉड कैन बी डिस्कवर, इंटरनल ऑडिट में ऐसा हो सकता है कि एरर एंड फ्रॉड जो है डिस्कवर हो, कुछ गलती की गई थी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, वो पकड़ी जा सकती है, डिस्कवर हो सकती है, लेकिन इंटरनल चेक में क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि एक का काम दूसरे ने चेक किया ना, तो इसको गलती मिल गई, इसने यहीं पे इसे करेक्ट कर दिया, फिर इसका काम आगे बढ़ा, इसने चेक किया, अगर कोई गलती मिली इसने यहीं पे चेक कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड इसमें चांसेस कम है,
ठीक है, क्योंकि एक का काम दूसरा वहीं पे चेक कर दे रहा है। ठीक है, तो दीज आर द फोर डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक, और ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं देखती हूँ बच्चे उन्हें पता है बट वो नहीं आंसर कर पाते, इसीलिए मैं इसे अलग से यहाँ पे लिख रही हूँ। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, जो इंटरनल चेक की पूरी प्रैक्टिस है उसका बेसिक सिद्धांत क्या है। उसका बेसिक सिद्धांत सिंपली वही है जो अभी हम डिस्कस तब से कर रहे हैं। क्या है बेसिक सिद्धांत, कि इसमें क्या होता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है अमंग द वेरियस क्लर्क, एंड हर क्लर्क की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके क्या राइट्स हैं, दीज आर प्रॉपरली डिवाइडेड। ये सबसे पहला सिद्धांत है इंटरनल चेक में। ठीक है, हर क्लर्क को पता है कि उसको क्या काम करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, राइट्स क्या है, ये सब पता है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि कोई सिंगल पर्सन, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लर्क को पूरा काम दे दिया है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको पूरा काम करना है बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। तो क्योंकि फिर ऐसा काम इसमें नहीं किया जाता इंटरनल चेक में, क्योंकि इसी से फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो यही इसका दूसरा सिद्धांत है कि नो सिंगल पर्सन इज अलाउड टू डू जॉब ओनली बाय हिमसेल्फ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, पूरा काम एक पर्सन को नहीं करना होता है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा क्या है, वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर मेंबर ऑफ द स्टाफ। ये तीसरा प्रिंसिपल है कि जो एक इंडिविजुअल है उसका काम जो है दूसरा चेक करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली चेक करता है। तो यही तो मेन प्रिंसिपल है, द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर। ठीक, तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपको पता भी हैं, क्योंकि काफी डिस्कस हो गया, पता भी है, लेकिन बच्चे नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने इसे अलग से ऐसे टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक, अब चलिए एडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्या फायदा है इंटरनल चेक का, क्या फायदा है, डिटेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड। इंटरनल चेक का सबसे पहला फायदा है कि अगर कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, तो वो डिटेक्ट हो जाता है, वो पकड़ में आ जाता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, इंटरनल चेक इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्क। जो इंटरनल चेक है उससे इफिशियंसी बढ़ जाती है। बताया था ना, एक वर्कर है जिसको केवल जर्नल ही बनाना है, ठीक है, इसका काम केवल जर्नल की एंट्री करना है, ठीक है, बेसिक एंट्री करना है, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेगा ना, इफिशियंटली काम कर लेगा ना, और फिर इससे गलती होने के भी चांसेस कम है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अच्छा गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो वो क्लर्क है ना उसे केवल वही काम करना है, तो वो उसे केयरफुली एंड कॉन्शियसली आराम से कर लेता है, ठीक, इन लेस टाइम। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तीसरा एडवांटेज क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गुड एंड इफिशियंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है, तो वहां पे ऑडिटर थोड़ा सा, मतलब कह लीजिए, उसको बहुत डिटेल चेकिंग करने की जरूरत नहीं है बुक ऑफ अकाउंट की। वहां पे एडिटर थोड़ा सा, कह लीजिए, लीनियंट हो सकता है। वहां पे आपने टेस्ट चेकिंग पढ़ा था ना, लास्ट लेक्चर में बताया था टेस्ट चेकिंग, वहां पे सैम्पलिंग करके वो टेस्ट चेकिंग कर सकता है, यानी पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन है पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है, रेंडमली चेक कर सकता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक गुड एंड इफिशियंट सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का। तो ये तीन एडवांटेज है इंटरनल चेक के, सॉरी इंटरनल चेक का अच्छा सिस्टम है, इसलिए वो ऑडिटर थोड़ा सा रिलाई कर सकता है कि यहाँ पे जो बुक ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन की गई है। ठीक है, तो ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेज है। ठीक, अब हम डिसएडवांटेज की बात करें, इंटरनल चेक का क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो बात करें तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल बिजनेस है, वहां पे इंटरनल चेक जनरली नहीं इंप्लीमेंट हो पाता है। क्यों? क्योंकि महंगा पड़ता है। आपने अकाउंट्स का काम देखने के लिए आप तीन बंदे नहीं हायर करेंगे ना, अगर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंट्स का काम देखने के लिए एक ही बंदा हायर करेंगे ना, तो इसलिए वहां पे ये इंटरनल चेक की प्रैक्टिस नहीं इंप्लीमेंट हो पाती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो तीन बंदे आपने हायर कर लिए, तो ठीक है, एक का काम दूसरे ने चेक किया, दूसरे का काम तीसरे ने चेक किया, वहां पे हो जाता है, बट छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता है। और अगर करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी एक्सपेंसिव। तीन एम्प्लॉई, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तीन एम्प्लॉई हायर करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनल चेक इंप्लीमेंट करने के लिए इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ना इंटरनल चेक का, ये पूरा प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज अगर नहीं है। ठीक है, इंटरनल चेक में होता क्या है, काम को डिवाइड किया जा रहा है डिफरेंट वर्कर के बीच में, क्लर्क के बीच में, एंड ये क्लर्क एक दूसरे का काम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी पूरी प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड है, और अगर पूरी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इट विल क्रिएट केओस एंड डिसऑर्डर। ये केओस एंड डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो दीज आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक, ये इंटरनल चेक के दो डिसएडवांटेज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल चेक अब हमें किसके रिगार्डिंग पढ़ना है, तो इंटरनल चेक हमें पांच हेड्स में पढ़ने हैं। जैसे कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैसे इंटरनल चेक होता है,
वेजेस सैलरी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनमें इंटरनल चेक कैसे कर सकते हैं, परचेज में कैसे इंटरनल चेक होता है, स्टोर या स्टॉक से रिलेटेड जो मैटर है उसमें इंटरनल चेक कैसे होता है, एंड सेल से रिलेटेड जो मैटर है उनमें इंटरनल चेक कैसे होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पांच हेड में अब हमें इंटरनल चेक पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो पांच हेड्स में हमें पढ़ने हैं ये अब हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफी लेंदी हो गया है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, और आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर दीजिएगा मेरे दोनों चैनलों को। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।